सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है तो so, यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है जिससे हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाता है और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ठीक है सो इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बिल्कुल सही है इट इज अ गैस विद बैड स्मेल बिल्कुल सही बात है कि इसमें बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है ठीक है ऐसे रॉट एग लाइक स्मेल आती है सो so, बहुत ही गंदी स्मेल होती है इस गैस की सो so, ये बी ऑप्शन जो बी स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है सी में लिखा है इट इज अ वीक बेस इन वाटर इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एक्चुअली ये क्या होता है एसिडिक नेचर का होता है वाटर के अंदर ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि क्या होता है H2S जब वाटर के अंदर जाता है तो प्रोटॉन रिलीज कर देता है HS नेगेटिव बनाएगा एंड H पॉजिटिव रिलीज कर देगा अब ये HS नेगेटिव जो कंजुगेट बेस होता है किसका H2S का ये स्टेबल होता है मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि, कि आप इसे कर सकते हो बट इट शो स्टेबिलिटी क्यों क्योंकि सल्फर का साइज काफी बड़ा है मतलब मतलब काफी बड़ा ये मतलब कहेंगे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो और साइज बड़ा होने की वजह से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी रखता है इसके पास क्या है थ्री डी वेकेंट ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज जो कर सकता है तो इस वजह से राइट डी में लिखा है इट इज अ अट्रॉगर रिड्यूसिंग एजेंट ये बिल्कुल सही है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है अगर आप एच टू एस को देखोगे तो यह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है सल्फर का होता है माइनस टू सल्फर का जो रेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो माइनस टू से लेकर प्लस सिक्स तक होता है ठीक है बैलेंसियल कॉन्फिग्रेशन आप देखोगे तो इसकी इसके बैलेंसियल में छह इलेक्ट्रॉन है तो या तो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले ठीक है तो माइनस टू की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे या फिर छह के छह इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है और मिनिमम माइनस टू है सो माइनस टू में होने की वजह से इसके पास चांस है कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज की जा सके यानी कि सामने वाले को रिड्यूस कर देगा खुद इंक्रीज ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो जाती है राइट सो यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन हमारा आंसर है रेस्ट आर इन करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड थैंक यू